टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पोइम ऑफ हनी कॉम रिबल क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज. सो वी विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन. इफ समवन डजंट वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल व्हाट डू यू थिंक द टीचर से. आंसर है इफ इट इज फर्स्ट टाइम दैट समवन डजंट वियर यूनिफॉर्म देन टीचर कैन गिव वार्निंग बट आफ्टर दैट टीचर वुड पनिश. एक दो बार टीचर वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं परंतु बार बार ऐसा करने के बाद टीचर पनिश करता है. सेकंड है व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई व्हाट डज द रिपल वांट मोस्ट. व्हेन एवरीवन वांट्स ए क्लियर स्काई देन रिपल वांट्स रेन एंड नीड्स ऑफ रेन. जब प्रत्येक व्यक्ति क्लियर स्काई चाहता है तब रिबल रेन चाहता है और उसे रेन की आवश्यकता होती है. इफ द रिबल हैज अ डॉग फॉर पेट व्हाट इज एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव. इफ द रिबल हैज अ डॉग फॉर पेट्स देन एवरीवन एल्स इज लाइकली टू हैव अ कैट. यदि रिबल के पास डॉग है तो बाकी सभी के पास क्या होगा. यदि रिबल के पास डॉग है तो बाकी सभी के पास कैट होगी. अगला है वाई इज इट गुड टू हैव रिबल्स. यह क्यों अच्छा है रिबल्स विरोधी होना. इट इज गुड टू हैव ए रिबल्स बिकॉज ए रिबल कैन थिंक डिफरेंटली वर्क फियरलेस स्टैंड विद देयर डिसीजंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑल इविल्स. क्योंकि यह रिबल्स होना अच्छा है क्योंकि जो रिबल है वही डिफरेंटली सोच सकता है, निडरता से काम कर सकता है और वो जो अपने डिसीजन है उनके साथ अडिग खड़ा रहता है, प्रोटेस्ट कर सकता है जो इविल्स होंगे सोसाइटी को उनके खिलाफ. नेक्स्ट है वाई इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रिबल वंसअप. अकेले का रिबल होना अच्छा क्यों नहीं है. इट इज़ नॉट गुड टू बी ए रिबल वन सेल्फ बिकॉज एवरी वन हैज हिज और हर ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू विच आर नॉट सेम एज अदर पीपल ऑफ सोसाइटी. ये अकेले का रिबल होना अच्छा नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ओपिनियंस होती हैं, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो कि सभी के साथ मैच नहीं कर सकते जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ. सम और जो इनमें से कुछ बन जाते द रीजन ऑफ एनिमिटी. कुछ ये जो रीजन होते हैं कारण बन जाते हैं दुश्मनी के. नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू बी ए रिबल इफ यस वाई इफ नॉट वाई नॉट. तुम रिबल बनना चाहोगे यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं. आंसर है नो वी वुड नॉट लाइक टू बी ए रिबल. हम रिबल नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि वी वॉन्ट्स ए पीसफुल सोसाइटी वेयर ऑल पीपल लिव विद लव एंड नो वन बिकेम एनमी ऑफ अस. हम ऐसी सोसाइटी में रहना चाहेंगे जो कि बहुत शांत हो और सभी लोग प्यार से रहते हों और कोई किसी का दुश्मन न हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एंटोनिम्स हैं. लॉन्ग का एंटोनिम्स होगा शॉर्ट, ग्रो का कट, क्वाइटनेस का है डिस्टर्बेंस, सोबर का है फैंटेस्टिक, लॉस्ट का है फाइंड. थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें जो पोइम में से लाइन है उनसे मैच करती हुई लाइन लिखनी है. फाइंड द लाइन्स इन द पोइम डेट मैच द फॉलोइंग रीड बोथ वन आफ्टर द अदर. फर्स्ट है द रिबल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर. पोइम की लाइन है द रिबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. सेकेंड है ही सेज कैट्स आर बेटर. पोइम की लाइन है द रिबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स. नेक्स्ट है ही रिकमेंड्स डॉग्स. पोइम की लाइन है द रिबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स. नेक्स्ट है ही इज एन हैप्पी बिकॉज दिस इज नो सन देर इज नो सन. वे एन हैप्पी होता है क्योंकि वहाँ पे कोई सन नहीं है. पोइम में से लाइन है द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. जो रिबल है वो रिग्रेट करता है सन के लिए. ही इज ए नोइजी ऑन पर्पज.
पोइम की लाइन है द रिबल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस। इस तरह से हमने सारी एक्सरसाइज कर ली। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।